अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपनी बेटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम लाते हैं। नज़र एक अफसोसनाक खबर की जानिब। 26 साल लड़के की कत्ल की वारदात टपा चबूतरा पीएस हदूद में। तफसीलात के मुताबिक टपा चबूतरा पीएस हदूद शबाब बिल्डिंग के करीब क्रांति और एसोसिएट्स की जानिब से अटैक किया गया एक 26 साल शख्स आकाश और छोटू, जिसको स्पॉट पर ही कत्ल किया गया। बुलेट्स के कई राउंड एक के बाद दिगर चलाते हुए बेदर्दाना तरीके से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने स्पॉट पर पहुंचकर मकतूल को उस्मानिया हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात बताई है। मजीद तफसीलात अभी बाकी है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आते हैं सिलसिले में खुद से रिपोर्ट पर नज़र। एडीसी सैयद मुस्लिमुद्दीन की खास रिपोर्ट ब्यावानी न्यूज़ पर। इसी तरह की मालूम के लिए ब्यावानी भिंडी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाकल्ला। मैं चाहता हूँ उन सारे बने चिंता मत कीजिए, जो भी कुछ है प्रॉपरली सब कुछ कनेक्ट करेंगे। क्या है क्या है इसके बारे में सर? सर या कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ सुपर मार्केट हम देखते हैं आपकी तरफ से भी जो क्राउड बना सर। नहीं नहीं वो चल रहा है, अभी गया ना, डेड बॉडी लेकर ना सर। सर स्टेटमेंट दे दीजिए सर, हमारा सबका देखिए, हमारे पूरा ये मुस्लिम भाइयों का मत। आप ये केस में सर, ये दिन दहाड़े वेपन से शूट कर रहे बोले तो इतना बड़ा केस सर ये। और हम सब यहाँ पे ये एरिया में तो हम ऐसा भाइयों से बढ़ के रहते हैं। जो भी है जिसको भी है बिल्कुल पकड़ेंगे और पुलिस कंडीशन में करेंगे, इसमें कोई चिंता मत कीजिए। बस बस वो करना सर, आप बिल्कुल करेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है सर। आज हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया कि मुर्गी चौक एरिया टपा चबूतरा पुलिस स्टेशन के अंदर में यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। 12:30 को नाइट में इन्फॉर्मेशन आया, उसके बाद में इमिजिएटली पुलिस यहाँ पे आई और हमें पता चला कि यहाँ पे एक स्पॉटेड डेड बॉडी है यहाँ पे। उसके बाद में हमने उसको शिफ्ट किया टू उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। इसके बारे में जो ब्रीफ फैक्ट्स है, बेसिकली डिसीज पर्सन का नाम आकाश सिंह है, ही इज़ अ 26 ईयर ओल्ड। यहाँ पे वो अपने दोस्त के पास यहाँ पे आया था। उसके बाद में इसके बारे में कुछ जो अभी तक जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें आई है, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर हमें पता चला है कि इसमें एक्यूज की तरफ से नाइफ और साथ में पिस्टल का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इलीगल ये वेपन है आर्म्स है, इसके बारे में यूज़ हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जो भी एक्यूज्ड है अभी तक एब्सकॉन्डिंग में, प्राइमरी बेसिस पे हमें कुछ क्ल्यूज़ वगैरह मिले हैं। साथ में यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और क्ल्यूज टीम को यहाँ पे बुलाया गया, उनके बारे में जो भी यहाँ पे शॉट्स वगैरह हुए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट और जिस तरह का मर्डर सीन है उसके बारे में क्ल्यूज़ हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो आर्म्स की वजह से जो भी यहाँ पे शॉट्स फायर किए, इसमें मल्टीपल शॉट्स है, एग्जैक्टली कितने शॉट्स है इसके बाद में हमें अभी तक आफ्टर क्ल्यूज टीम का प्रॉपरली एनालिसिस होने के बाद और साथ में हॉस्पिटल में पीएमई रिपोर्ट आने के बाद, वहाँ पे एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितने एंट्री और कितने एग्जिट पॉइंट है, उसके साथ में कितने शॉट्स यहाँ पे फायर किए, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द आएगा। सर वो गन जो था लाइसेंस है सर? अभी तक इसके बारे में कोई लाइसेंस गन से किया ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम सभी डायरेक्शन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन फायर करें। वही अभी फॉरेंसिक टीम जो आई है यहाँ पे क्ल्यूज टीम और साथ में जो पीएमई रिपोर्ट है उसके बाद में ही वो क्लियरली बता सकते हैं कितने शॉट्स है, मल्टीपल शॉट है। लेकिन इसमें सर ये रिवेंज मर्डर है सर, इसके ऊपर जो है मतलब पहले से कुछ केसेस है या फिर ये जो अभी तक जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें आई है, इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है। किसी भी पॉलिटिकली अपोजिशन की वजह से ऐसा ये कुछ मर्डर हुआ है ऐसा नहीं लग रहा है। मोस्टली ये एक फ्रेंड्स के बीच में एक इश्यू हुआ है, उसके बारे में हमें अभी तक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है। और शॉट्स की बात कीजिए तो इसमें मल्टीपल शॉट्स है, एग्जैक्टली कितने शॉट्स है, नंबर ऑफ शॉट्स, उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन जल्दी जल्द हमें पता चल जाएगा। और जो सर विक्टिम जो 2.5 महीने पहले जो अटेम्प्ट टू मर्डर में बुक हुआ था सर, तो वो किसके ऊपर अटैक करा था अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। अभी जो भी है उसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पे टप्पा चौधरी पीएस में 307 केस जो है डिसीज के ऊपर आकाश सिंह के ऊपर यहाँ पे रजिस्टर था। तो अभी जो हमने उसको बाइंडोर भी किया था और बाकी भी जो अभी फेस्टिवल आ रहे हो तो उसके हिसाब से हमने सभी लोगों को प्रॉपरली बाइंडोर किया था। लेकिन एग्जैक्टली क्या है डिटेल्स, किसकी वजह से हुआ, क्या वही इंसिडेंस है, कौन से पास ग्रह से, उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। अभी हम जो भी सस्पेक्ट पर्सन है उनको ऑलरेडी फैमिली की तरफ से उन्होंने कुछ नाम्स वगैरह दिए, उसको हम जल्द से जल्द उनको ट्रेस आउट करेंगे और एज पर उसके हिसाब से आफ्टर द एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन विल अरेस्ट देम। ओके सर, क्या नाम है सर? फैमिली के मेंबर, फैमिली मेंबर्स जो नाम बोले
रिवेंज मर्डर है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, चलो, थैंक यू।